ऊना में हिमो उत्कर्ष कन्या महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार समारोह में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिरकत की और वहां पर मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर नवाजा। इस मौके पर वहां पर कॉलेज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। ऊना में हिमो उत्कर्ष कन्या महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार समारोह में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिरकत की और वहां पर मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर नवाजा। इस मौके पर वहां पर कॉलेज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कॉलेज के अब तक के कार्यकाल को लेकर काफी सराहना की और हिमो उत्कर्ष के इस कार्य को मानवता की सेवा बताया। इस कॉलेज का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, पत्रकार मित्रों और प्यारे बच्चों, जैसा कंवर हरी सिंह जी ने बताया, लगभग आज से 15 साल पूर्व इस कॉलेज की एक कल्पना की गई। उस कॉलेज की कल्पना को साकार रूप देते हुए आज 13वां एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम मना रहे हैं, जहां इस फंक्शन के मौके के ऊपर इतने लंबी यात्रा पूर्ण करने के ऊपर मैं आपको बधाई देता हूँ। पेपर न बस का पहला दिन है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे का अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में सभी बहनों और इस विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों, यहां पर उपस्थित अधिकारीगण, आज नए वर्ष का पहला दिन है और पहले दिन ही मुझे हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए आप सबके दर्शन करने का भी मौका मिला। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाला जो त्यौहार है वो मकर संक्रांति का है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पारितोषिक वितरण समारोह है, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनको आज यहाँ से पारितोषिक मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चियों ने जो है यहाँ पढ़ने में और फिर खेलने में जो है वो अपनी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन किया है। बहुत सारी बच्चियों ने जो है वो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चियां छूट गई हैं, क्योंकि ये जो मंच है ये प्रतिस्पर्धा का मंच है,